बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वेडिंग वेयर गोटा वर्क के ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ लेकर आई हूँ। व्यूअर्स, अगर आप अपनी शादी पे, मेहंदी माइयों पे गोटा वर्क के ड्रेसेस बनाना चाह रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में आपको ड्रेसेस के आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, दुपट्टे के आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ अगर आप फैब्रिक के आइडियाज़ लगाना चाहती हैं कि आप किस फैब्रिक पर गोटा वर्क के काम करवाएं, तो आपको इस वीडियो से बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, अगर तो आप गोटा वर्क का काम करना चाहती हैं तो आप इजीली इनको खुद घर में भी तैयार कर सकती हैं, और अगर आप गोटा वर्क का काम करना नहीं जानती तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको ऑर्डर पर भी तैयार करवा सकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। इससे ये होगा कि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। व्यूअर्स, अगर आप प्लेन ड्रेस लेकर साथ में हैवी दुपट्टा रखना चाह रही हैं गोटा वर्क का, तो आजकल उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आप अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग इस तरह की भी कर सकते हैं, साथ में प्लेन दुपट्टा रख लें और साथ में हैवी दुपट्टा रख लें। व्यूअर्स, अगर आप गोटा वर्क की लेसिस लगाकर अपने ड्रेस को खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो आपको इस वीडियो से इस तरह के भी आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ स्टिचिंग के भी बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, अगर आप इसके अलावा अपनी मन पसंदीदा वीडियो देखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आपके लिए उसी तरह की वीडियो लाऊँ जिस तरह की आप देखना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, शायद आपका मनपसंद डिज़ाइन आपको वीडियो के एंड में मिल जाए। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।